हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। मगर उससे पहले ये बता दूं कि L1 और L2 जो हमने किया था ऑफ चैप्टर नंबर 6, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। चैप्टर का नाम है एट द डेस्टिनेशन, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंचने की जो जर्नी होती है उसको हम ट्रेवल कहते हैं, और उसी के साथ साथ जो फाइनल पॉइंट या रीचिंग पॉइंट होता है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम स्टार्ट पॉइंट या वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम ऐसा कुछ कहकर के डिनोट करते हैं। और हम लोगों ने L1 L2 के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं और उसमें बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अगर ये दोनों लेक्चर्स आपने मिस कर दी हैं समहाउ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन दोनों लेक्चर्स के लिंक जो है उनसे रूबरू हो जाइए, उन दोनों को देख लीजिए, और उसके बाद जो है इस थर्ड लेक्चर के ऊपर आइए और ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर लीजिए। उन बच्चों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो कि मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं कि भाई टॉकिंग टेक्सटबुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, और साथ ही साथ 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, और उसके बाद NTSC, NSCGS एंड PRMO लेवल का प्रिपरेशन, जहां पर स्पेसिफिकली आपको मिलेगी प्रशांत जैन सर की स्पेशल मेंटरशिप या गाइडेंस। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों की मदद कर रही है ये सारी चीजें प्रिपेयर करने में। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज बेटा डाउनलोड कर दीजिएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सैंपल स्टडी मटेरियल ऑफ द क्लासेस 6 to 10। आप जिस भी क्लास में है उस क्लास का सैंपल स्टडी मटेरियल देखिए, और अगर ऐसी इच्छा करती है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल तो कॉम्प्रिहेंसिवली मेरा होना चाहिए, तो www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाइए। वहां जाकर के स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर ये दो पैकेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनकी कॉस्टिंग है 9,000 रुपीज एंड 3,500 रुपीज। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होमवर्क सबमिशन जो है आप लोगों को 9,000 वाले पैकेज में ही मिलेगा, और अगर आप चाहते हो कि यार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, तो क्या करना है 3,500 वाली पैकेज जो है उसको आप ऑप्ट कर सकते हो, जहां पर आप लोगों की टेस्टिंग जो है रेगुलरली हम लोग करते रहते हैं एवरी 15 डेज के अंदर, राइट। उसी के साथ साथ बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर दीजिए और फ्रेंड डिटेल सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो आप लोगों को यूज करना है AK लाइव कोड फॉर 30% स्पेशल डिस्काउंट। अगर ऐसा यूज करते हैं तो ही आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और जो करंट एक्टिव प्राइस है आपकी वो हो जाएगी आपकी 6,300 एंड 2,450। राइट, उसके बाद बाय पैकेज आइकन पे क्लिक करना है, और तीनों जो गेटवे आप लोगों के सामने यहां नजर आ रहे हैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इन तीनों में से कोई भी एक पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हैं, और चूज करने के बाद हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर किसी भी परेशानी का सामना आप लोग करते हैं तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, 9549041111 नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, अदरवाइज जो ऊपर नंबर दे रखा है 8209482937 उस पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि भाई सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें, तो मैं आप लोगों की सारी मदद कर दूंगा डेफिनेटली। राइट, आगे बात करते हैं और कर लेते हैं आज का हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है भाई, कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही हमारी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी, अदरवाइज तो क्या है कि ठीक है चल रही है जिंदगी, चलने दो। ठीक, तो L1 में हमने इंट्रोडक्शन का कुछ डिस्कस किया था, जहां डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जहां मैंने कहा था कि भाई नहीं इसकी सुनने वाले का ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक बना के दिया था, फिर एक डायरेक्शन सेंसेस दिए थे जहां पर एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसके बाद कुछ डिस्कशन पॉइंट पे बात हुई थी, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ था, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन चलता रहा था। और आज हम करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की शुरुआत, जहां पर बेसिकली सारी चीजें सेम है, पर लर्निंग आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद आइडिया हो जाएगा कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को वहां मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार है, इजी सा क्वेश्चन है पर लेंदी है, मतलब लैंग्वेज समझने में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, तो आपका वक्त शुरू होता है बेटा अब। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे पहले
तो वो डायग्राम बना लीजिए और उस डायग्राम में लिख लीजिए नहीं इसकी सुनने वाले, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख लोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, कैलाश भाई साहब जो है उन्होंने नॉर्थ में फेस कर रखा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कैलाश भाई साहब ये हैं तो इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है सर। ठीक, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई हम एक साथ पढ़ के और फिर वापस से उस क्वेश्चन को पढ़े जहां पर हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलाश भाई साहब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि अगर आपका नॉर्थ इधर है तो क्या करना है, आपको राइट डायरेक्शन में कैलाश को टर्न करवाना है। राइट डायरेक्शन कहां होगा, यहां होगा, और यहां से कैलाश भैया को आपको चलाना है कितना, 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर पर आकर के रोक दो कैलाश भैया को, और फिर ये पढ़ो कि वो क्या कर रहे हैं। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो लेफ्ट साइड मुड़े, कहां से, इस डायरेक्शन को भूल जाना, इस डायरेक्शन को भूल जाना और यहां पर आ जाना। तो अभी उनका फेस जो है किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि वो इधर फेस कर रहे थे और फिर उन्होंने सीधे हाथ पे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब उनका डायरेक्शन कहां है, ईस्ट डायरेक्शन में उनका फेस है। तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस का मतलब जिस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं उसी डायरेक्शन में उनका फेस होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं, तो लेफ्ट कहां हुआ, यहां हुआ, ठीक है। लेफ्ट साइड मुड़ के कितना चल रहे हैं, ही वॉक 30 मीटर, चलिए भाई चला दो 30 मीटर चला दो उनको, तो ये हुआ आपका 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, अब इन भाई साहब का राइट डायरेक्शन कहां होगा, ध्यान रखो नॉर्थ साइड में है, यानी कि पहले वाली कंडीशन में आ गया है, तो राइट यही होगा, दैट मींस 25 मीटर टुवर्ड्स राइट, यहां चला दो ये 25 मीटर, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ही देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर, ठीक है सर। ही देन टर्न्स राइट अगेन का मतलब क्या, अब यहां वाली डायरेक्शन में आ गए हैं तो राइट नीचे की तरफ होगा, कितना है 55 मीटर, तो मतलब इस 30 को क्रॉस करके नीचे और आ जाएगा और यहां तक कहीं तक आ जाएंगे वो, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू यू ऑल, अगर ऐसा क्लियर है तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्टेप तक, जो है 55 मीटर वाला स्टेप, यहां लिख दीजिए 55 मीटर। एंड देन ही फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर, क्या है, ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 40 मीटर। अब जो डायरेक्शन है वो कहां है, यहां, जैसा मैं आप लोगों को दिख रहा हूं वहां है, ठीक। क्यों है, क्योंकि पहले नॉर्थ में हमने ऐसे डायरेक्शन लिया था और अब हम सीधा डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब नॉर्थ के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हमें पता है कि ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप चाहें तो साउथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप साउथ लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नॉर्थ में थे और उसके ऑपोजिट में साउथ होता है, ये इस डायग्राम से आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे ही आप साउथ में 55 मीटर चल चुके हैं तो आपसे ये कहा गया ही देन टर्न्स राइट एंड मूव्स कितना 40 मीटर, तो अगर आप यहां हैं इस करेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इधर आपका राइट होना चाहिए, तो दैट मींस आपको कहां चलना है, यहां तक आओगे तो 25 मीटर कवर कर लो, ये 25 मीटर आपने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, कितना है 40 मीटर, यानी कि 15 मीटर और चल जाओ भाई, ये लो सर 15 मीटर और चल गए और यहां आकर के हम रुक गए, ये आपका कितना हुआ 40 मीटर हो गया, क्लियर है। 40 मीटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि भैया अब हमें ये बता दो कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक। अगर सिर्फ इतना पूछा होता कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, यहां तक पूछा होता तो हमारा आंसर कुछ और होता, लेकिन अभी हमसे क्या हुआ, पूछा हुआ है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्ट पॉइंट से किस डायरेक्शन में मौजूद है, तो सॉरी
तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्ट पॉइंट यहां है, ठीक है, यह है स्टार्ट पॉइंट और यह है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट या फिनिश पॉइंट, ठीक। तो अगर मैं कंपास को यहां रखता हूं, इसको एज इट इज उठाकर, तो मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो डायरेक्शन है वो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ऐसा एक डायग्राम बन रहा है। और अगर मैं कंपास यहां रखता हूं तो मुझे ये पता है ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है, ठीक है बेटा, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैंने आप लोगों को बात कही वो ये थी कि भाई अगर मुझसे इतना सा सवाल पूछा होता इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, ऐसा पूछा होता तो मैं क्या करता, मैं सीधे सीधे कह देता कि ये मेरा नॉर्थ था तो ये भाई साहब इधर जाते, तो इसका मतलब मेरा डायरेक्शन वेस्ट होता, ठीक है। अगर यहां तक पूछा होता तो मैं वेस्ट आंसर लिखता, कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, लेकिन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो हमने ये डायग्राम बना लिया और हमारा फाइनल आंसर हुआ जो साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉन लेफ्ट फ्रॉम हिज ऑफिस इन हिज कार, ठीक है, एंड ही ड्रोव 15 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, जल्दी से कर लो बेटा, आप लोगों के पास वक्त है मात्र 30 सेकंड का, जल्दी से कर लो भाई। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जॉन लेफ्ट फ्रॉम हिज ऑफिस इन हिज कार एंड ही ड्रोव 15 किलोमीटर नॉर्थ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन कहां, मेरा नॉर्थ डायरेक्शन कहां है। अच्छा, इनको यहां मैं नहीं बना सकता तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां बना लेता हूं भाई, ये लो ये मेरा नॉर्थ है, क्या है, ईस्ट है ये और ये, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर ऊपर चलते हैं भाई साहब, कितना 15 किलोमीटर ऊपर चलते हैं ये भाई साहब, तो ये लो भाई 15 किलोमीटर ऊपर चला दिया, ठीक है, यहां पर थे हम। फिर कहा गया एंड देन टर्न्स एंड देन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब यहां से वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहां कहीं आ जाएंगे और 10 किलोमीटर चल जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे कहा गया एंड देन ही टर्न्स साउथ एंड कवर्स 5 किलोमीटर, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाओ 5 किलोमीटर चल लो, ठीक है। साउथ कैसे, क्योंकि नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक। फिर कहा गया ही फर्दर टर्न्स टू ईस्ट एंड मूव्स 8 किलोमीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस डायरेक्शन कहां है उस डायरेक्शन में इनको भाई साहब को 8 किलोमीटर चला दो, ये लो 8 किलोमीटर चल दिए, हम यहां आ गए, ठीक। हाउ फार इज इन, सॉरी हाउ फार, एक सेकेंड, अच्छा एक स्टेप हो गया फाइनली वाला, ही turned right and drove 10 किलोमीटर्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं क्या करूंगा, टर्न क्या है राइट right, यानी कि नीचे की तरफ, ये लो सर कहां आ गए, ये हमारा 10 किलोमीटर का मार्क हो गया, ठीक। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जो ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये टोटल डिस्टेंस देखो बेटा 10 और ये 5 और ये टोटल डिस्टेंस देखो बेटा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अगर मैं बोलूं ए बी
सी और डी, ये ई और एफ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ई एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ठीक है। पांच और दस पंद्रह, और ये भी टोटल पंद्रह, ठीक है। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां हो, पीछे की तरफ हो, इधर हो, इधर हो, मतलब अगर मैं यहां से यहां कैलकुलेट करता हूं, कहां कैलकुलेट करता हूं, यहां इस डायरेक्शन में मुझे चलना होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं वेस्ट डायरेक्शन में हूं, यह मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर वेस्ट डायरेक्शन आता है, ठीक। और कितना दूर हूं तो ये भी देख लो, ये 8 है और ये 10 है, और ये डिस्टेंस जो है यहां वाली, कहां वाली है, यहां वाली डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये 8 है और ये 10 है तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर मेरा हो जाएगा, और पीछे की तरफ हम चल रहे हैं इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर वेस्ट, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बेटा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए भाई। नमिता दीदी है, कौन है, नमिता दीदी है, नमिता दीदी को घर से चलाना है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल चला देंगे नमिता दीदी को घर से, है ना। तो नमिता दीदी को घर से चलाओ, नमिता दीदी को घर से चलाओ और कह दो कि नमिता दीदी चलती जाओ, चलिए नमिता दीदी को घर से चलाते हैं। नमिता दीदी वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, वही हमारी पुरानी क्रिया जो हम करने वाले हैं वो ये कि टॉप ऑफ द स्क्रीन पे बना लो ये डायरेक्शनल चार्ट और शुरू हो जाओ। नमिता वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, चला दो भाई, कहां से चलाओगे और कैसे चलाओगे, ये खास ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो यार, इतना नीचे लेना ठीक रहेगा क्या, बताओ क्या इतना नीचे पॉइंट लेना ठीक रहेगा क्या, जल्दी बताओ क्या। ओ, एक सेकंड यार, आज हमें जो है हिकअप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा परेशान हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हिकअप्स ही तो है, आते रहेंगे और हम जो है हमारा काम करते रहेंगे। चलिए यहां है हम, ये नमिता दीदी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहा है, वेस्ट डायरेक्शन में 14 मीटर चला दो, ये 14 मीटर वेस्ट भी लिख लो यहां साथ में, हो सकता है डायरेक्शन की जरूरत पड़े। एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 14 मीटर एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं जो कि ये मेरा करंट डायरेक्शन है, कहां इस डायरेक्शन में, तो मुझे कहा गया कि टर्न्स राइट, यानी कि मेरा राइट हैंड कहां होगा, इधर, ये मैं ऊपर चला गया, ठीक है, कितना 14 मीटर ही, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, ठीक, अब मैं इस डायरेक्शन में हूं जैसा कि आप लोगों को तो मेरा लेफ्ट कहां है, यहां, ये लो साहब आ गया, कितना चलना है 10 मीटर चलना है, तो थोड़ा सा इसको जो है मिटाना है, बट ठीक है 10 मीटर में चल दिया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो, क्लियर है, बिल्कुल ऐसा मैं मान रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अब क्या करना है टेन मीटर चल लिए, अगेन टर्न हर टू हर लेफ्ट एंड वॉक 14 मीटर, भाई साहब फिर से नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, कहां आ जाओगे, अब वापस से नीचे की तरफ आ जाओ, ये लो सर आ गए, ठीक। ध्यान रखना 14 मीटर और ये राइट वाला 14 मीटर, ये दोनों सेम है,
तो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऐसा हम बोल सकते हैं। और एग्जैक्टली सामने ही खड़ी है, मैंने रख दी यहां पर फेस जो है वो नीचे की तरफ है। क्या है? फेस जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पॉइंट। तो वापस अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ अगर नमिता जी जाती हैं, क्या हो रहा है, वापस अगर अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ नमिता जी जाती हैं तो क्या होगा कि यहां से यहां तक पीछे चलना होगा। मार्कर गेम चेंज करते हैं और बताए देते ये लो भाई, यहां तक वापस पीछे जाना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 10 और ये वाला 14 दोनों काउंट होगा। क्या होगा? ये वाला 10 और ये वाला 14 दोनों काउंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24, ठीक है। क्या कहीं 24 मीटर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये रहा ऑप्शन बी, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और मैं इस खेल को खेल जाऊंगा, ठीक है। चलिए ओ चलिए फोर्थ, अ मैन लीव्स फ्रॉम हिज ऑफिस। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, गृह कार्य क्या है, HW, ठीक है, होमवर्क लिख देता हूं यहां पे। हिंदी में मत लिखवाना मेरे से क्योंकि मेरी हिंदी वीक है भाई। होमवर्क ठीक दिख रहा होगा ऐसा मैं मान लेता हूं और अंडरलाइन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, और कमेंट बॉक्स में बताने के बाद जो है हम आगे बातचीत करेंगे। आज तो भाई परेशान ही हो गए हम, आज तो हम परेशान ही हो गए हैं क्योंकि हिकअप्स ने हमें परेशान करके पटक दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। इतना मैं आप लोगों को बता दूं इस सवाल के लिए कि आप लोगों का आंसर जो है ना बेटा, ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, मतलब डी और ई ऑप्शन तो आप लोगों के कट हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी टिप है, तो मतलब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है बंधुओं, ठीक है बंधुओं। तो चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ, जो ओ ओ ओ जो कहता है कि एक दीदी है जो आपको छोड़ के जा रही है। क्या है? अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, ठीक है सर, जाने दो, जो जा रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है। तो दीदी को बोलो दीदी जाओ, क्या बोलो, दीदी को बोलो दीदी जाओ, घर चली जाओ, दीदी दीदी घर चली जाओ, दीदी घर चली जाओ, दीदी घर। अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, वो अपना घर छोड़ के जा रही है, बाबुल की दुआएं लेती जा, ऐसा मत कहना। चलिए, शी फर्स्ट वॉक्स 30 meters नॉर्थ। भाई साहब, भाई साहब, मतलब वेस्ट, ओहो हो, ओहो, देख रहे हो टेढ़ा चलना है बेटा, इसमें कहां चलना है, टेढ़ा चलना है। तो इसमें तो हमें जो है डायरेक्शन चार्ट की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन चार्ट में हर बार क्यों मनवाता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरा यह मानना है कि डायरेक्शन चार्ट आपके सामने होने से क्वेश्चन जो है 30% सॉल्व हो चुका होता है। कितना? 30% सॉल्व हो चुका होता है, 30% सॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट शी वॉक्स 30 meters इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, भाई साहब यहां कहीं टेढ़ा चलेंगी ये दीदी, तो इन दीदी को यहां बिठाओ और इन दीदी को बोलो कि दीदी ठीक है टेढ़ी चल जाओ, तो ये लो टेढ़ी चल गई दीदी। कितना चल रही है? 30 meters, ये लो दीदी 30 meters चल गई यहां। उसके बाद यहां वापस आगे पढ़ो और बोलो 30 meters साउथ वेस्ट। क्या चाहिए था दीदी आपको, ऐसा क्या चाहिए था दीदी आपको, ये लो
30 मीटर साउथ वेस्ट चला दो, ये 30 मीटर साउथ वेस्ट चल गई दीदी। फिर बोलो वॉक 30 मीटर साउथ ईस्ट, क्या ही चाह रही हो, पता नहीं कहां ही जाना चाहती हो आप। ये लो 30 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। अब फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम, ये इनका घर था, कहानी थी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है इस घर के ऊपर, वो हम आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले इनको क्या करो, घर की तरफ मोड़ दो। ये लो साहब आप चलो अपने घर की तरफ, ये चले जाओ आप अपने घर की तरफ, घर की तरफ चले गए, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, क्या किया, यहां पे थी और यहां से घर की तरफ चलना शुरू किया था, ठीक है। तो अगर यहां से घर की तरफ चलना शुरू किया था तो वो तिरछी चल रही है, अगर तिरछी चल रही है तो कंपस को क्या करो, यहां रख लो, और अगर आप कंपस को यहां रखते हो तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये दीदी चल रही है। कहां चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये दीदी चल रही है। आपसे ये नहीं पूछा कि कितना डिस्टेंस चल गई है, आपसे ये पूछा है कि किस डायरेक्शन में चल रही है अगर उनको घर की तरफ जाना है, ठीक है। अपने घर की तरफ चल रही थी और हमने कंपस बॉक्स यहां रखा, और कंपस रखते ही हमें पता चल गया कि सर ये डायरेक्शन, एंड इफ दिस डायरेक्शन इज गोइंग, तो ये डायरेक्शन मेरा नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां लिख दो आप, यहां आप इजिली लिख सकते हो कि दीदी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। चलिए, तो वो जो गाना है वो यहां बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, कि जो गाना है वो ये है कि भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर, है ना। तो चलिए, हमने दीदी को जो है घर से निकाला और घर में वापस भेज दिया, और इसी बात पर अगर कोई दुविधा कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो छठे सवाल पे चल लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से, कोई लड़की है कशिश, एंड शी गोज 30 मीटर्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स। भाई ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, और देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स। भाई चलो ठीक है, फटाफट करा देते हैं आपको। कशिश वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ, हमारा पहला और सबसे बढ़िया स्टेप है, वापस से हम रिपीट करेंगे, ये लो, ठीक है। क्या हुआ, 30 मीटर नॉर्थ में चलिए कशिश, चला दो फटाफट चला दो, ठीक। फिर टर्न्स राइट, राइट कहां है, यहां है, कितना चली 40 मीटर, ठीक। देन टर्न्स राइट अगेन, यानी कि नीचे की तरफ, एंड वॉक्स 20 मीटर, 30 मीटर थी तो यहां कहीं तक चलेगी, ये लो 20 मीटर, ठीक है। याद रखना इस डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस है, इसलिए लाइन जो है हमने छोटी बनाई है। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब अगर नीचे की तरफ है तो ऐसा डायरेक्शन मान सकते हो जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। राइट कहां होगा, यहां होगा, क्या करो, कितना है 40 मीटर, ये यहां से यहां तक वापस आ जाएंगी, तो दिस इज 40 मीटर, ठीक है। How many meters is he from his original position? Oh, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, यहां पर आया अपन और हमने इंच चेंज किया, और इंच चेंज करते हमने इसको मार्क कर दिया। ये आपका क्या हुआ, ये है आपका स्टार्ट पॉइंट और ये है आपका फिनिश पॉइंट, ठीक है, या डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई कितना दूर है वो अपने घर से, यार कशिश दीदी नहीं है, यहां ही और हिस से पता चल रहा है कि कशिश जो है वो दीदी नहीं है, कशिश जो है वो भैया का नाम, ठीक है। तो यदा कदा गड़बड़म भवती, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो गई कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, आपसे जो पूछा हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और बोल दो कि भाई किस, हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, कितने मीटर दूर है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से,
अब ओरिजिनल पोजीशन से कितना मीटर दूर है, मतलब अच्छा स्टार्ट पॉइंट से पूछा हुआ बेटा, कहां से पूछा हुआ है, स्टार्ट पॉइंट से पूछा हुआ है। तो अगर स्टार्ट पॉइंट से पूछा हुआ है तो 30 मीटर का डिस्टेंस था सामने। अच्छा जी देखो क्या हुआ है, 30 मीटर टोटल था, ये 20 मीटर नीचे आ चुका था -20, तो इतना सा बचा था, क्या बचा था, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा था, ठीक है सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो क्या किया, 30-20 इज इक्वल टू 10 मीटर, ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा, हम बढ़ रहे हैं हमारे सातवें सवाल की तरफ। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन अच्छा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आई एम फेसिंग साउथ, ठीक है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम फेसिंग साउथ लिखा हुआ है, यानी कि अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। अभी तक हम कभी कशिश दीदी को चला रहे थे, कभी एक अननोन नाम की दीदी को चला रहे थे जिनका नाम गर्ल था, कभी किसी को चला रहे थे, अब हम खुद चले। क्या करना है, मैं साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हूं, तो फिर से वही जो हमारा एक स्टेप है सिंपल सा, फटाफट से मैप बना लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है आई एम फेसिंग साउथ, मेरा फेस जो है नीचे की तरफ है, ऐसा बना लो ठीक, एंड आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अगर मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा राइट कहां होगा, यहां होगा, ये मैं 20 मीटर चल लिया था, ठीक है अगर मैं 20 मीटर राइट में चल चुका हूं, देन आई टर्न राइट अगेन, मतलब अब मेरा जो राइट डायरेक्शन है वो कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो हमें डायग्राम को जो है यहां से हटाना पड़ेगा, हमें डायग्राम को जो है यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हम क्रॉस कर जाएंगे इक्वेशन को। चलिए क्या करना है, यहां से शुरुआत करते हैं, नीचे से बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हैं बेटा। यहां मैं था, मेरा फेस था किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में, यही नहीं साउथ डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ, ठीक। मुझसे कहा गया कि भाई राइट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, तो 20 मीटर राइट में चले जाओ, ये 20 मीटर राइट हो गया। अब मुझसे कहा गया कि मैं क्या करता हूं, राइट टर्न लेता हूं और 10 मीटर चलता हूं, तो मेरा राइट टर्न कहां है, यहां है, ये मैं 10 मीटर चल गया, ठीक है। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, अब मैं अगर यहां हूं, कहां हूं, यहां हूं, तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, मेरा लेफ्ट होगा इधर इस हाथ पे, ठीक 10 मीटर चल जाओ सर, ये लो 10 मीटर चल गए बेटा, ठीक। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर वापस से, फिर ऊपर चले जाओ, ठीक। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अपन। एंड देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, अब यहां हूं, एक काम करो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लो, ये लो नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 मीटर का अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, यहां हूं तो यहां से मैं राइट टर्न लूंगा और 60 मीटर चलूंगा, कितना हुआ 60 मीटर चलना है ना, तो ये तो 30 है, ये लो 60 मीटर चल दिया बेटा, ठीक। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, ठीक है और अभी मैं यहां हूं, ठीक है। तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मैं कंपस रखता हूं, क्या रखता हूं, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मैं कंपस रखता हूं, तो स्टार्ट पॉइंट से मैं इधर की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक। ऑप्शन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि क्या मेरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मेरे पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है सर। क्या मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन है, बिल्कुल है सर, ईस्ट डायरेक्शन भी ऑप्शन में है और नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन में, ठीक है। मगर आपसे क्या पूछा है, मगर आपसे पूछा है स्टार्ट पॉइंट से किस डायरेक्शन में हो, तो आप इसको स्टार्ट पॉइंट मानोगे और यहां खड़े हो करके अगर आप देखोगे, या अभी आप कहां हो, यहां खड़े हुए हो, स्टैंडिंग पोजीशन कहां है आपकी,
तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं या आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो तो आपको किस डायरेक्शन में दिखेंगे ये भाई साहब? ऐसे तिरछे ही दिखेंगे ना। मान लो मैं यहां हूं और आप यहां हैं और आप मुझे यहां से यहां देख रहे हो, तो मैं आपको, आप मेरे को तिरछा ही देखोगे। और अगर अब मैं जगह चेंज कर दूं, आप यहां हो मैं यहां हूं, तो क्या करोगे? आप यहां से मुझे देखोगे, देखोगे और तब भी मैं तिरछा ही दिखूंगा आपको, यानी कि ये तिरछा देखना पड़ेगा तभी आप मेरे को देख पाओगे। तो इसका मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे और ये कह देंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? ऑप्शन डी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और आप बढ़िया से इन क्वेश्चंस को कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ माय हिकअप्स नॉट स्टॉपिंग इन दिस होल सेशन। आई वुड अपोलोजाइज भी नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये देखो आप कि मुझे अपोलोजाइज भी नहीं करने दे रहे मेरे हिकअप्स, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या है? अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। जब भी मैं डायरेक्शन पढ़ता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। और अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। A man walks 30 meters south. क्या करना है? नीचे की तरफ भगाना है। क्या करना है? नीचे की तरफ भगाना है। जल्दी से भगा दो भाई, भाई साहब को साउथ डायरेक्शन में जल्दी से भगा दो। क्या करो? यहां से यहां से अभी फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई, ऊपर जाना हुआ, तो हम जो है डायग्राम को नीचे से बना लेंगे। तो क्या करना है? 30 मीटर साउथ नीचे की तरफ बढ़ाओ। बढ़ गए सर, ठीक है। देन टर्न्स हिज लेफ्ट। अब नीचे की तरफ है तो इनका लेफ्ट कहां होगा? इधर की तरफ। एंड वॉक्स 20 मीटर्स, ठीक। अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहां है तो लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ। कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। जल्दी देखो, क्वेश्चन देख लो बेटा, एक सेकेंड। एक मिनट, यार एक सेकेंड, हमने राइट डायरेक्शन गलत ले लिया, ठीक है, सॉरी, हमने राइट डायरेक्शन गलत ले लिया। टर्न्स टू हिज राइट 30 मीटर्स और वो डिस्टेंस भी गलत चला दी थी हमने। Then turns to his right and walks 30 meters. नहीं, अभी थैंक यू नहीं बोलना है, अभी थैंक यू कोई नहीं बोलेगा। 30 meters, यहां चल दो। And then turns to his left and walks 20 meters. अब यहां अगर है, कहां है? यहां है अगर, तो लेफ्ट डायरेक्शन कहां होगी मेरी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। कितना चलना है? 20 चल दिया मैं, ठीक है। एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर्स अगेन। पता नहीं क्या चाह रहा है, यहां है तो इस तरफ आपका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट होगा, ठीक है। ये लो, 30 मीटर्स चल दिया है, ठीक है। अब मुझसे ये पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। क्या है? 30 मीटर्स चल दिए, इसका मतलब मेरा डायरेक्शन जो है यहां से होगा। सॉरी बेटा, ठीक है, चलिए। क्या हुआ कि मैं यहां हूं और मेरा, मुझसे पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल, सॉरी, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ए और इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे देता हूं, तो
ये डिस्टेंस प्लस हो जाएगी और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। तो ए बी प्लस सी डी अगर मैं करता हूं तो ए बी इज 20 एंड सी डी इज व्हाट, सॉरी सी यहां आएगा बेटा, ठीक है। तो क्या ही गड़बड़ होगी सर, एक सेकेंड, पूरी गड़बड़ होती जा रही है आज, तो रुको जरा यहीं थम जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी व्हिच वाज 30 मीटर्स। तो मेरा फाइनल आंसर जो है कितना होगा, जरा फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 50 मीटर्स, यानी कि 20 + 30 = 50 मीटर्स। ऑप्शन में कहीं 50 मीटर्स नहीं दे रखा है, तो हमारे ई वाले भैया यानी कि नन ऑफ दीज जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड हम जो है इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। हम इससे रिगार्डिंग यानी कि इस चैप्टर से रिगार्डिंग एक सेशन और लेंगे जो कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का होने वाला है, और इससे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर हम डिग्री और डायरेक्शन और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहा क्या क्या, डिग्री डायरेक्शन और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन इसके अगले सेशन में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टॉकिंग टेक्सटबुक्स फॉर लाइफ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, राइट। सो keep joining the family of 6000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIFE. Thank you.